डॉक्टर मोहन यादव अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं और वहां पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ अमित शाह के साथ भी उनकी मीटिंग होगी। तो बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि कैबिनेट की गठन को लेकर के ये अहम चर्चा और मीटिंग होनी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन तक इसको लेकर के मंथन होगा और 25 तारीख को कैबिनेट का गठन हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, दिल्ली रवाना हो चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव और दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है। 3 दिनों तक मंत्रिमंडल को लेकर बैठक होगी और दोनों डिप्टी सीएम भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलम गुर्वे इस खबर पर जुड़ रही है हमारे साथ। नीलम, मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, क्या कुछ ख्याल रखा जा सकता है, कुछ अभी इनपुट मिल पा रहा है क्या, कोई क्या लिस्ट लेकर पहुंचे हैं, किसी संभावित नामों को लेकर चर्चा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर के, और एक बार फिर से आज सीएम मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकर के और ज्यादा मंथन हो सकता है। देखिए माना ये जा रहा है कि नई पीढ़ियों को मौका देने के साथ साथ जो अनुभवी नेता है उनको भी जो है कैबिनेट में मौका दिया जाएगा। हालांकि वो कौन कौन से नाम होंगे इस पर जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, एक मिला जुला समीकरण जो है मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर एक संसदीय क्षेत्र से ही कैबिनेट में एक विधायक को रखा जाएगा मंत्री के तौर पर। तो ये जाहिर तौर पर देखिए एक बड़ी कहना चाहिए मुलाकात आज होने जा रही है। एक बार फिर से बीते दिनों भी सीएम गए थे मुलाकात करने के लिए, हालांकि आज इस मुलाकात के साथ साथ जो मध्यप्रदेश के सांसद है उनके साथ सीएम मोहन यादव का जो है रात्रि भोज भी होने वाला है, तो हो सकता है उन सांसदों से जो है इस बारे में कुछ तो तमाम क्षेत्रीय और जातीय संतुलन मिटाने की कोशिश होगी, लेकिन ये भी बात आ रही है सामने की कुछ दिग्गजों के चेहरे को लेकर के क्या कोई पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब सब कुछ सुलझाने की कोशिश हो रही है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका नीलम। बढ़ते आगे बात विधानसभा सत्र की। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर आज विधानसभा में चर्चा हुई और इसको लेकर के सीएम मोहन यादव ने भी अपनी तरफ से बातें रखी और तमाम बड़ी एक तरीके से बातें रखते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चलने वाली कोई भी योजना बंद नहीं होगी। बता दें कि अभिभाषण पर आज चर्चा हुई और डियर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये कहा कि बीजेपी ने मजदूर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए वो पार्टी का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जो यात्री अयोध्या जाना चाहेंगे तीर्थ दर्शन योजना से उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। वहीं सीएम ने राम के बाद भगवान कृष्ण पर फोकस करने की भी बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीला की है उस स्थान को सरकार विकसित करेगी। वहीं सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लाडली बहना योजना के लिए जो तारीख नियत है उसी तारीख को राशि डाली जा रही है। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ 22 जनवरी को, पूरी सरकार स्वागत करेगी मध्यप्रदेश सरकार राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का, और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेगी। राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में फूल मना कर रहा बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहाँ जहाँ पांव पड़े, जहाँ जहाँ लीला रचिए, चाहे आयो अपना उज्जैन जहाँ उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अंधेरा जहाँ रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहाँ परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र ये हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजना है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। तो बात करी मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूँ,
कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए।